नमस्कार। जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू हुई, वैसे ही सबकी नजर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की कुर्सी पर गई। ये कुर्सियां अब खाली थी। इस कुर्सी पर अब अखिलेश यादव की जगह पर नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बैठे थे। शिवपाल यादव की भी जगह बदली थी। शिवपाल यादव दूसरी लाइन से पहली लाइन में आ चुके थे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। हमेशा 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठ कर देख कर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। विधानसभा शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने अब विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे के हाथ में है। दोस्तों, अखिलेश यादव अब खुलकर देश की राजनीति में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बना दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है, एक तरफ सिद्धार्थ नगर से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पूर्वांचल को साधा, अगड़ी आबादी को साधा, इधर दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाकर आजम खान की खाली हुई जगह को भरने की पूरी कोशिश कर ली है। आरके वर्मा को उप सचेतक बनाकर पीटीए को मजबूत भी कर लिया। विधानसभा शुरू होते ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने मोदी शाह के खेमे वाले ब्रजेश पाठक पर चारों तरफ से हमला बोल दिया और उत्तर प्रदेश में चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ताबड़तोड़ सवाल पूछे। पहले ही सवाल रागनी सोनकर की तरफ से आया। इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है, वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहां पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहाँ के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से, ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेनियर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार। रागनी के सवाल का जवाब देने में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बौखला गए, समाजवादी पार्टी की सरकार को कोसने लग गए। सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में। वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुने? अरे बैठो ना तुम। अरे सुनो भैया विधायक जी। अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने जिन में बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना, फीस नहीं। अरे उत्तर आ जाने दीजिए भैया, पानी दो। मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मुझे रोक रहे हैं कि ऊंचा मत बोलो। आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो अध्यक्ष। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले। जब आप एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है।
पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? जैसे समाजवादी पार्टी ब्रजेश पाठक से स्वास्थ्य विभाग का पूरा हिसाब किताब करने के मूड में आई थी। ब्रजेश पाठक से दूसरा सवाल पूछा सरदना से विधायक अतुल प्रधान ने। अतुल प्रधान ने पूछा कि बीजेपी कार्यकाल में कितने डॉक्टरों की भर्ती की गई। सवाल के जवाब में ब्रजेश पाठक दाएं बाएं वाला जवाब देने लग गए तो अतुल प्रधान भी अड़ गए। आपने पिछले अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली उनका उसके साथ डॉक्टर आए बस ये बता दो आप वही बता रहे हम और बाकी अध्यक्ष जी ये सर्वमिलित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। नहीं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को। अरे भाई सुन तो लीजिए अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते। अरे सुनो तो सही। सुनना चाहते बताएंगे कैसे। अरे वही बता रहे सुन तो लीजिए बैठो अतुल प्रधान सुन तो लीजिए। अरे बैठो गुस्सा नहीं अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा बैठो। अरे बैठो अध्यक्ष जी ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो तो एक चिकित्सक बनने में MBBS को 5.5 साल और MDMS को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। और अरे वो सही कह रहे हैं डॉक्टर 8 साल बनेगा तब भर्ती होगा बनेगा तो भर्ती कहां से कर देंगे। अरे हाँ जो रेपिंग 8 साल से 3 साल में फिर डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर तो अपना टाइम लेगा बनने के लिए पूरी पढ़ाई करेगा। डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं विज्ञापन निकला। अरे वही बता रहे ब्रजेश पाठक पर हमले हो रहे थे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ही थे चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। विधानसभा के भीतर बीजेपी के भीतर की उठापटक का दर्द बिल्कुल शीशे की तरह एकदम साफ दिखाई दे रहा था। बीजेपी से ही ब्रजेश पाठक का साथ देने के लिए उनके पीछे कोई नहीं खड़ा था। विधानसभा के भीतर बीजेपी प्रचंड बहुमत में है लेकिन समाजवादी पार्टी 111 विधायकों के साथ ही बारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक वक्त तो ऐसा आ गया दोस्तों कि ब्रजेश पाठक की जगह स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर जवाब देने के लिए खड़े होने लगे। स्वास्थ्य पर इतने सवाल हो रहे थे कि दो दो स्वास्थ्य मंत्रियों को जवाब देते बन ही नहीं रहा था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।